हेलो एवरीवन, मैं बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत बढ़िया होंगे। और तैयारी कैसी चल रही है? मेन बात तो ये है, तैयारी क्या करनी है, बिकॉज समय आ चुका है, अगस्त आ गया। अब आप लोग जीएस पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करोगे, अब आपको लगेगा अब एक डर का माहौल पैदा होगा, और उस डर के माहौल में कहीं ना कहीं सी सैट को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा कि चलिए 1 से 2 महीने बचेंगे तो सी सैट को इजीली कर लेंगे और हो जाएगा। बट एक गलत फहमी है आप लोगों की, बता रहा हूँ मैं आपको, गलत फहमी है। कितने सारे ऐसे बच्चे थे जो जीएस के बहुत अच्छे स्कोर करके गए थे बट सी सेट की वजह से रह गए। सो मैं नहीं चाहता आप भी उनमें से हो, तो सी सेट की तैयारी शुरू करने का बिल्कुल सही समय है अभी, समझ रहे। चलिए, जो हमारी टॉप 5 सीरीज चल रही है उसमें आज क्या है मेरे पास, बिकॉज पता क्या, देखो तैयारी करना मैटर नहीं करता, तैयारी करना मैटर नहीं करता, तैयारी सही समय पे स्टार्ट करना मैटर करता है। एक बात ध्यान रखिए, तैयारी वो बच्चा भी स्टार्ट करेगा जो 1 से 2 महीने पहले लगेगा। एक बच्चा आज से कर रहा है, वो जो 1 से 2 महीने पहले लगेगा ना, वो अपनी जीएस को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा, बिकॉज उसको उस टाइम ज्यादा समय देना पड़ेगा किस पे, आपके सी सेट पे, क्योंकि ज्यादा सिलेबस कवर करना है। और ऐसा भी होगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के आप तक छूट भी जाए, बिकॉज ये भी तो होगा ना कि मुझे जीएस करना है, जीएस करना है, जीएस करना है। और जीएस पहाड़ है आपका, सी सैट तो एक छोटा सा बिंदु है उसके आगे, बट वो बिंदु भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना हुआ है, बिकॉज इस बिंदु के बिना भी आप उसको नहीं पार कर सकते, ध्यान रखिएगा मेरी बात, ठीक है। तो इतना भी छोटा नहीं बिंदु इतना, बट है सी सैट अच्छा खासा सिलेबस है आपका, कवर करने में इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। सो चलिए, आज हमारे पास क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस टॉप 5। लास्ट हमने क्या किया था प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूपीएससी सी सेट बैच। वी ऑलरेडी स्टार्टेड अ बैच, इट्स बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेशन, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइमिंग क्या रहती है मेरी, 3 से 4:30, ठीक है। उसके बाद वी हैव डाउट क्लास, डाउट सेशन साथ में ही है। 4 डेज अ वीक, 4 दिन होती है, ठीक है। टोटल लेक्चर कितने, 180+ लेक्चर्स हैं आपके पास, जिसके अंदर 90, 50 क्वांट, 25 लॉजिकल और 15 इंग्लिश के लेक्चर, ये तो आपको क्लास में लाइव मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ आपको क्या मिल रहा है, 15 प्रीवियस ईयर लेक्चर्स, 50 प्रैक्टिस MCQ, लाइव मेंटरशिप सेशन आपको मिलेंगे 30+, और वीकली डाउट सेशन ऑन जूम, या मैं कहूँगा आप डाउट क्लास के साथ भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट आवर बैच, डू ज्वाइन, ठीक है। चलिए चलिए, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, अ कार रन्स फर्स्ट 275 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 315 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर जर्नी। देखिए वो पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू बेसिकली स्पीड इन टू टाइम होता है मेरे पास। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड होगा तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल टाइम, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। तो यहां से मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी, अगर इसको मैं लिखूं एवरेज स्पीड, एवरेज लिख दिया, एवरेज स्पीड वो होगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये छोटी सी बात है याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे पास, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, लेट मी चेक द ऑडियो, यस इट इज सही। देखो उसने क्या बोला, पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं, उसने क्या बोला, डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ 1 इनटू टाइम ऑफ 1। सो डिस्टेंस 1 कितना भाई, 275, स्पीड 1 कितनी, 50, और ये कितना टाइम 1, सो टाइम 1 कितना 2 75/50, ठीक है। तो 25 दूनी 50 60 9 10 11, तो 11/2 आवर आ गया, ये क्या है मेरा T1, ठीक है जी। यानी अगर मैं इसको देखूं, ये क्या कर, D1 + D2 / T1 + ये क्या है कि मेरी एवरेज स्पीड, ठीक है। सो व्हाट अबाउट D2, S2 × T2, D2 कितना है मेरे पास, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट है मेरे पास 315,
इज इक्वल टू स्पीड 70 और t2, ठीक है जी। सो अगर मैं इसे 5 से काटूं, 5 40 टाइम्स गया, 5 63, तो 7 2, सो ये कितना गया 9/2 आवर्स। सो टोटल टाइम कितना हो गया मेरा 11/2 प्लस 9/2, ये कितना हो गया आपके पास 20/2, तो 10 आ गया मेरे पास, कैसा ही कुछ आ रहा है, ठीक है। सो डिस्टेंस कितना है मेरे पास 315 प्लस ऑफ 275 अपॉन 10, तो ये कितना हो गया 590, 590/10, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 59 किलोमीटर पर आवर। होपफुली ये आराम से समझ आया हुआ आपको आंसर, क्लियर। चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको जरा। चलिए द रेशो ऑफ स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन इज 2:7। इफ द फर्स्ट ट्रेन रन्स एज 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स द सम ऑफ स्पीड्स ऑफ बोथ। देखिए क्या दिया, अगर मैं बेसिकली स्पीड की बात करूं, ले लो ए और ले लीजिए बी, ठीक है। ये क्या है मेरे पास 2:7, वो कह रहा है फर्स्ट ट्रेन रन्स, देखो डिस्टेंस स्पीड ऑफ 1 इंटू टाइम ऑफ 1, तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास 250, स्पीड 1 मुझे पता नहीं है, और ये कितना हो गया 5, ठीक है। तो स्पीड ऑफ 1 कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सिंपल सी बात है आ गई। नेक्स्ट देखिए, ये मेरे पास क्या है भाई, अब मेरे को 2 की वैल्यू कितनी दी है 50, कितने गुना 25 टाइम, तो टोटल क्या पूछ रहा सम, सो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू ऑफ 25 विच इज इक्वल टू हाउ मच 225। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी सही है, क्लियर। तो इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा इसमें लड़ना झगड़ने वाली बात नहीं थी, जल्दी से इसको कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते। इजी था ना, बस छोटी सी बात समझनी थी रेशो वाली। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जर्नी ऑफ 900 किलोमीटर इज कंप्लीटेड इन 11 आवर्स। इफ 2/5 ऑफ द जर्नी इज कंप्लीटेड एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज द रिमेनिंग जर्नी कंप्लीटेड। कैसे 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 कैसे, देखो अ जर्नी ऑफ 900 किलोमीटर इज कंप्लीटेड इन 11 आवर्स, ठीक है। 2/5 ऑफ द जर्नी मतलब डिस्टेंस 1 कितना है मेरा 2/5 ऑफ 900, ये कितना हो गया 180 गुना 2 कितना हो गया 360 किलोमीटर। हो गया जी 360 किलोमीटर, ठीक है। इफ 2/5 ऑफ द जर्नी इज कंप्लीटेड एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 360 स्पीड 1 इंटू टाइम 1, सो 360 स्पीड 1 कितने 60 इंटू टाइम 1, सो टाइम 1 कितना आ गया मेरे पास 6 आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्ड द क्वेश्चन इज सेइंग कि टोटल टाइम कितना मेरे पास 11 आवर्स, कितना मेरे पास 11 आवर्स। तो अगर मेरे पास T1 जमा T2 11 है, तो यहां से टाइम ऑफ 2 कितना आ गया मेरा 5 आवर्स। सोच के देखो है कि नहीं, पहले पोर्शन में 6 लगे तो दूसरे में डेफिनेटली 5 लगेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर। सो मेरे पास रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है मेरे पास 900 माइनस ऑफ हाउ मच 360, कितना बचा है 540 किलोमीटर, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है, फिफ्थ ऑफ द जर्नी इज कंप्लीटेड एट द स्पीड ऑफ 60 एट व्हाट स्पीड, बिल्कुल जी रिमेनिंग वाला, तो डिस्टेंस या रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड फाइनल इनटू टाइम ऑफ फाइनल, इज दैट क्लियर। चलिए तो ये मेरे पास रिमेनिंग कितना 540, स्पीड फाइनल भाई हमें पता नहीं है, और टाइम फाइनल कितना 5, तो ये कितना हो गया 108 किलोमीटर पर ओ, ठीक है 108 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका, क्लियर।
नोट कीजिए फटाफट, जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ रेलवे इंजन पासिस टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 400 मीटर एंड 235 मीटर इन 100 सेकंड्स एंड 60 सेकंड्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेलवे इंजन इज, मतलब सबसे पहले मुझे रेलवे इंजन की लेंथ निकालनी पड़ेगी, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, पहले तो समझ लो बात मेरी, देखिए इसमें क्या है मेरे पास, देखो ये मेरे पास इंजन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अ रेलवे इंजन पासिस टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 400 मीटर, इसका मतलब अगर मैं कहता हूं ब्रिज वन है, ये कितने मीटर का है, 400 मीटर एंड 235 मीटर, इसको तो भाई टाइम लग रहा है 100 सेकंड्स, ठीक है। सेकंड केस में सेम इंजन है और ये कितना है मेरे पास 235 मीटर और ये कितना टाइम ले रहा है 60 सेकंड्स। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या थिंकिंग प्रोसेस लगाने, ध्यान से देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि भाई टाइम कम लग रहा है, 40 सेकंड पे आ गया, 60 पे आ गया, ये 40 सेकंड कहाँ गए, खुद सोच के देखिए ये 40 सेकंड कहाँ गए, थोड़ा हवा में तो फुर नहीं हो गए ना। हुआ क्या, यहां से यहां 400, यहां से यहां 135, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना बचा मेरे पास, 400 माइनस 2 135 नहीं 235, यानी कितना 165 मीटर आया, आ गया। इसका मतलब क्या है, ये 165 मीटर कवर करूंगा तो मुझे कितने सेकंड लगेंगे, 40 सेकंड, तो ऐसे स्पीड आ जाएगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 165 स्पीड इनटू 40। समझिए इस बात को, समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि आपने जब भी इंजन वाला एक या ऐसे बोले रेलगाड़ी बोलते कुछ भी बोलते आपको, आपने सिर्फ ये चीज देखनी है कि टाइम एक्स्ट्रा कितना लग रहा है और मैं चल कितना आ रहा हूँ, कि अगर लग 40 सेकंड और चलूंगा तो 400 मीटर चल लूंगा, क्योंकि इंजन का डिस्टेंस सेम है दोनों के सिर्फ, तो स्पीड कितनी है यहाँ से 165 बटे 40, तो 5 अट्ठे 40 और 33 यानी 33 बाय 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सबसे पहले इंजन निकालना है। देखिए अगर मैं डिस्टेंस कवर देखूं, ये केस वन और केस टू है, दोनों में निकाल के देख लेंगे। केस वन की बात करूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना है मेरे पास, डिस्टेंस तो पता ही नहीं, स्पीड कितनी है 33/8, टाइम कितना 100, सोच के देखिए ये, चलो भाई 4 × 2 = 8 और 25 × 100, ठीक है, तो ये कितना हुआ 750 प्लस 75 तो कितना आ गया 825 आया। हाँ जी, क्या ये 825 आया, बिल्कुल 825/2, तो ये कितना आ गया 412.5 आ गया, 825/2 का मतलब कितना 412.5, इसका मतलब इस केस में जो टोटल डिस्टेंस था बोलो 412.5 था, तो इसका मतलब 12.5 क्या होगा मेरा इंजन, बात खत्म। सेकंड वाला आपको होमवर्क दे रहा हूँ, करके देखिएगा, ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब ट्वाइस बताना है तो ट्वाइस इंटू 12.5 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 25 इज द राइट आंसर, क्लियर। मजा आया, मुझे भी आया, ऐसे क्वेश्चन करके एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था काफी, चलिए भाई रिलेटिव वेलोसिटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, चलिए देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 200 किलोमीटर, अ ट्रेन रन्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, व्हाइल अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी टू ए एट अ स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन इन किलोमीटर 3 मिनट्स बिफोर दे मीट। देखो कितना डिस्टेंस बचेगा, आपको सिर्फ ये निकालना एक्चुअली में
कि 3 मिनट में वो ट्रैवल कितना करेंगी, बस ये पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए देखो भाई, ये ए है और ये बी, इनके बीच कितना डिस्टेंस है? 200 किलोमीटर, ठीक है। अ ट्रेन रन्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। 75 किलोमीटर पर आवर। वाइल अनदर ट्रेन रन्स फ्रॉम बी टू ए एट 85 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वट विल बी डिस्टेंस बिटवीन दैम टू ट्रेन्स 3 मिनट बिफोर द मीट। इसका मतलब डिस्टेंस कितना है मेरे पास पता नहीं है, स्पीड कितनी है 75 प्लस 85, टाइम कितना 3 मिनट्स, बट स्पीड मेरी किलोमीटर पर आवर में, तो 3 मिनट को करो आवर्स में चेंज डिवाइडेड बाय 60, तो 8 × 7 = 160 इनटू 3/20, 3/60 सॉरी, तो ये कितना हो गया 20 टाइम्स, तो कितना गया 8। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं पूरे 200 किलोमीटर के डिस्टेंस को टैकल करेंगे, वो जरूरी नहीं है। द थिंग इज दैट आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट कैसे लगा सकते हैं, दैट इज नीड ऑफ द आवर। क्लियर? तो नया बैच हो चुका है स्टार्ट, अगर आप लोग अभी तक जुड़े नहीं जुड़ जाओ, बता रहा हूँ मैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डन, चलिए भाई अब मेरे पास है माइक्रो कोर्सेज। देखो कई बार तैयारी करते करते हम कर लेते हैं तैयारी, या मैंने सेल्फ स्टडी की हो कि जैसे भी, या मैंने कोचिंग की हो, या कुछ टॉपिक अगर रह गए तो, अगर हमारे पास करोगे फिर तो करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, जैसे मैंने परसेंटेज कर लिया, जैसे मैंने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की बात की, सपोज कीजिए मेरे को नहीं आता, मैंने तैयारी की है, आई डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक, क्या करेंगे? तो कहीं से पूरा बैच लेंगे? नहीं, वो गलत तरीका है, वो वेस्टेज जो टाइम है, वेस्टेज जो मनी है। मुझे सिर्फ उतना करना है जितना मुझे नीड है, दैट्स इट। व्हाई शुड आई गो फॉर अननेसेसरी थिंग्स? अगर मुझे परसेंटेज आता है तो क्यों परसेंटेज के लेक्चर लूं मैं? माइक्रो कोर्सेज इसी पे आधारित है, यानी माइक्रो कोर्स का आधार ये बेस ही है कि आप लोग उस चीज़ के लिए या उस टॉपिक के लिए पे कीजिए जो आपको चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा सा, इसमें पूरा आपका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको मैं अच्छे से एक बार इसको ओपन करके दिखाता हूँ। चलिए चूज एग्जाम, मेरे पास है कंप्लीट कोर्स फॉर सीसेट फॉर सिविल सर्विसेज, देखिए ठीक है, ये सारा सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स, देयर इज वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड माइक्रो कोर्सेज, और यहाँ पे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो मेरे पास सबसे पहले 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आएगा यहाँ पे, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो कॉल मी और व्हाट्सएप, जैसे आप बोलेंगे टीम वैसे ही आपसे जुड़ेगी, बेसिकली मेरे पास ही सारी इंक्वायरीज आने वाली है। ठीक है, सो मैं ही सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँगा आपकी। सबसे पहले मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात कर लेते हैं ज़रा। देखिए कंप्लीट बंडल है 1603 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पे बात सुनो, है क्या नंबर सिस्टम की बात करूँ, मेरे पास 20 ऑलमोस्ट 22, क्या इस बार तो मैं बोलूँगा 20+ क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट जो आपका 25% था ना, वो इस बार नंबर सिस्टम से था मिनिमम। ठीक है, तो 21.88% तो यहाँ दिखाया गया, बट एक्चुअली 25% के अराउंड था, क्योंकि इस बार का अपडेट होता तो थोड़ा टाइम लगता है तब करके। पिछला सारा है, मैं इसी बार की बात बता रहा हूँ 2023 की, कि इस बार के पेपर में 25% से तकरीबन थोड़ा ज़्यादा पेपर में था। अगर ऑल अराउंड की बात करें पिछले कुछ एग्जाम्स की, तो ऑलमोस्ट 22 से 25% आए आपके पास। ठीक है, 22 से 25%, 22% लगा के चलेंगे तो ठीक है। कितने का 10 लेक्चर्स हैं, 324 रुपये का। ठीक है, नो वेब नोट्स और 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ सिंप्लीफिकेशन की, 16% क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो 15.23%, 4 लेक्चर्स हैं, 117 क्वेश्चन हैं और 1 वेब नोट्स हैं। अगर आप नंबर सिस्टम बाय करते हैं ना, तो आपको फायदा क्या होता है, या कोई भी चैप्टर आपको इंडायरेक्टली उसकी टेस्ट सीरीज भी मिल रही है आपको, आप 25-30 क्वेश्चन को कंपाइल करके एक साथ करके उनका टेस्ट दे सकते हैं आफ्टर टेकिंग दिस 4 लेक्चर्स। ठीक है, जैसे परसेंटेज का ऑलमोस्ट 9%, परमिनेशन कॉम्बिनेशन भी 9% है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जो मैं बात कर रहा था तकरीबन 5% है। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, और आसान क्वेश्चन आता है, क्यों? जब आप इन 3 लेक्चर्स को देख लेंगे, 332 क्वेश्चन कर लेंगे, 4 वेब नोट्स कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ 158 में, तो मुझे नहीं लगता भाई बचेगा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज नंबर सीरीज, सब में ऐसा ही है, मैं आपको बाकी चैप्टर्स भी दिखा दूँ, बाकी टॉपिक्स भी दिखा देता हूँ आपको मैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक
एबिलिटी कंप्लीट बंडल इज 133, जैसे पजल टास्क 245, रैंकिंग इन ऑर्डर 130, आपके जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं समझ आता तो सिर्फ सिर्फ 42 रुपीज़ का है, दो लेक्चर्स हैं, डायरेक्शन साइंस से बड़ी दिक्कत आती है कितने का, 117 रुपये का है, सिलोगिज्म कितने का 150 का है, क्यूबेड डाइस कितने का सिर्फ 86 का, कोडिंग एंड डिकोडिंग कितने का 184 का। सो इसी तरीके से मेरे को इंग्लिश का भी बताया गया, मैं आपको बता दूँ अभी के अभी, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे माइक्रो कोर्सेज को लेके, लाइक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव 349, वर्ड बिलिंग 53, 6 लेक्चर हैं, सिर्फ और सिर्फ 350 भी नहीं है पूरा, क्लियर। सो दीज आर प्राइजलेस लेक्चर्स अगर मैं आपकी बेसिकली बात करूँ तो, क्लियर। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जो भी आपको लिंक चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू।